लंच टाइम, अब किसका इंतजार कर रहे हो? खाओ जल्दी। हाँ लेकिन हम खाए क्या? प्लेट में कुछ नहीं आया। मेरी भूख मर रही है। सुनो, इस बजट में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। आप बजट को छोड़िए और सिर्फ मेनू पर ध्यान दीजिए ना। डॉक्टर से पूछो कि वो सारे पैसे कहाँ ले जाते हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है। या तो तुम मुझे पैसे दो या खुद का खाना खुद उगाओ। जल्दी जाओ और काम पे लग जाओ। और बच्चों तुम दोनों पढ़ाई करो वरना इनके जैसे निकम्मे बन जाओगे। ठीक है। वाह, अपने पुरखों की तरह खेत में काम करने के बाद कितना मजा आता है। तुम सुन रहे हो ना, मैंने सही कहा ना एड। हाँ, हमें भी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वैसे सब्जी मिलती तो अच्छा रहता, पर फल भी ठीक ही है। बात तो सही है। जब कुछ महीने बाद हम फसल काटेंगे तब, कुछ महीने बाद जब तक ये फसल उगेगी तब तक तो हम भूख से मिट्टी में मिल जाएंगे। नहीं, मुझे तो लगता है कि उसके पहले यहाँ के डायनासोर हमें खा जाएंगे। क्या? वो भी भूखे हैं क्या? अपनी सैलरी से मैं यहाँ के सारे डायनासोर का पेट नहीं भर सकता। वो तो एट से भी ज्यादा खाते हैं। ये डायनासोर तो कई दिनों से भूखे हैं। तो वो हमें खा जाएंगे? हाँ हो सकता है, मगर हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? तुमने कुछ सोचा है? जी बिल्कुल, हम यहाँ इंसानों के बजाय डायनासोर से काम करवा सकते हैं। क्या मतलब? पर डायनासोर काम करेंगे हमारी जगह पर? बिल्कुल करेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये उसी की फोटो है। ये अब क्या कर रही है मामा? आप सबको मेरी फोटो क्यों दिखाने लगती हैं? ओ मैक्स, इसमें क्या बुराई है? आपको नहीं लगती? चलो हम चलते हैं, आप अपना काम करते हैं। हाँ चलो। ये तो आप और अंकल है ना आंटी? बिल्कुल सही कहा, ये अम्यूजमेंट पार्क हमारे लिए बहुत ही खास था। तो अंकल ने आपसे यहीं पर कहा था कि? हाँ हाँ, यहीं पर तो उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। ठीक है, मगर कहानी तो कमाल की है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अंकल इतने रोमांटिक होंगे। सच में कभी हुआ करते थे, मगर देखो ना, आजकल काम में इतने बिजी रहते हैं कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तक भूल गए। क्या खबर है रीस, सारे डायनो होल्डर्स तैयार हो गए हैं? हाँ, वो आज तैयार हो जाएंगे। शाबाश, तुम हमेशा कड़ी मेहनत करती हो रीस, वो डायनो होल्डर्स बहुत जरूर। मैक्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड बहुत बिजी रहते हैं, पर वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कैसे भूल गए? हाँ सही बात है। डैड को तो जानते ही हो ना, उन्हें डायनासोर के अलावा कुछ याद नहीं रहता। मैं आज उन्हें उनके फेवरेट अम्यूजमेंट पार्क में ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ उन्हें हर बात याद आ जाएगी। तुम ये क्या कह रही हो? कौन सा पार्क जोई? मैं ये तो तुम्हें नहीं बता सकती। ओके, ये देखो, यही है वो जगह। ये काफी समय से बंद था और हाल ही में उसे दोबारा खोला गया है। अब इसे कहते हैं डायनासोर लैंड, क्योंकि यहाँ सिर्फ डायनासोर होते हैं। क्या? डायनासोर लैंड? मुझे जाना है, 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 मुझे जाना है। बढ़िया, क्या हम मॉम को भी साथ ले चले? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि हमारे शहर में एक डायनासोर पार्क भी है। मैंने उसे आज तक कैसे नहीं देखा। मैं अभी बताना तो नहीं चाहती, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं,
भोले हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन अम्यूजमेंट पार्क में जाते ही उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आ जाए। अब डायनो होल्डर्स पर अकेले ही काम करना पड़ेगा रीस, मैं चला रोलर कोस्टर का मजा लेने। रुकिए डॉक्टर टेलर सुनिए तो। बाय, देर तक काम मत करना। किसी ने भी पूछा नहीं कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है या नहीं। वाह ये तो कमाल की जगह है। हाँ और सारे राइड्स भी डायनासोर पर बने हैं। इन्हें देखकर मेरा दिल बल्ले बल्ले कर रहा है। वाह उसे देख रहे हो तुम लोग, वो रोलर कोस्टर एक सुपरसोरस है। हाँ फ्लाइंग राइड में तो टेरानोडॉन्स है। और दोस्तों वो रहा सबमर्जिंग फुटामोसोरस। ऐसा लग रहा है कि उसे कार्केरोडोंटोसोरस चला रहे हैं। जो रोलर कोस्टर पर सबसे बाद में पहुंचेगा वो हारेगा। मैं आ रहा हूँ डैड, रुक जाइए। मैक्स भी अपने डैड जैसा ही है, यहाँ का दोनों सब कुछ भूल गए हैं। हम यहाँ मस्ती करने नहीं आए हैं। अरे तुम लोग भी आ जाओ ना। जल्दी करो हम सबसे आगे की कार में बैठेंगे। लगता है कि अंकल को उनकी एनिवर्सरी याद दिलाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तुम जाकर मजे लो जोई, उन्हें भूल जाओ। क्या अच्छा ठीक है, मगर घबराइए मत, मैं उन्हें याद दिलवाकर ही रहूंगी। रुको मैं आ रही हूँ। रेक्स तुम भी जाओ उनके साथ मजे करो। ओ, नहीं नहीं मैं यही ठीक हूँ। तुम जाओ मैं यही इंतजार करूँगी। मगर मुझे नहीं जाना है। तो मुझे ऐसी राइड्स पसंद नहीं जिसमें उल्टियाँ आती हो। तो हम दोनों मिलके कुछ और करें क्या? हाँ। बड़ी अजीब बात है, पहले तो यहाँ इतनी राइड्स भी नहीं हुआ करती थी। ओ, ये टापू इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हमारे पार्क में कम से कम 2000 लोग आ चुके हैं। वाओ वाकई से इतने कमाल का आइडिया दिया था कि हम ये पुराना अम्यूजमेंट पार्क ले लें और इसे अपने डायनासोर से चलाएं और इसका नाम डायनासोर लैंड रखें। ये बताओ कि अभी तक कितनी कमाई हो चुकी है? कुछ पता नहीं। अरे हाँ याद आया, घर का राशन लाने के लिए हेल्गा सारा का सारा पैसा उठा ले गई। आज कम से कम अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा। ओ चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का और शायद सुशी भी, बहुत मजा आने वाला है। पहले इससे तो निपटो। डॉक्टर हमारे डायनासोर्स ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए उनका ग्लूकोज लेवल काफी कम हो गया है और उसकी वजह से कंट्रोल डिवाइसेस ठीक से काम नहीं कर रहे। ओ ऐसा है। इसका मतलब अगर हमने डायनासोर्स को जल्दी खाना नहीं दिया तो उनके कंट्रोल डिवाइसेस बेकार होने लगेंगे और तब वो पूरे अम्यूजमेंट पार्क में तबाही मचा देंगे। उन्हें तब तक रोकना होगा जब तक हेल्गा उनका खाना लेकर यहाँ नहीं आती। तुम तीनों वहाँ जाओ और उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। जाओ। क्या हम उनके सामने जाकर नाचे? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि वो हमें खा जाए? वही वो फेरिस व्हील है, मैंने वही अकी को प्रपोज किया था। मैक्स आज की डेट बता सकते हो? क्या क्या पूछ रहे हैं? आज की डेट कौन सी तारीख है? क्या करेंगे आज? कोई खास बात है क्या डैड? वेडिंग एनिवर्सरी है। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, जल्द ही तुम्हारा खाना आ रहा है, तब तक तुम ये फोटो देखो और इंतजार करते रहो। मगर ये फोटो है किसकी? फ्रेंच टोस्ट की। स्प्लिटोसॉरस तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना? तो मैं क्या करूं, मेरे पास यही है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैंने उसके लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया है। एक टी शर्ट ले लूं या फिर फनल केक? आंटी यहाँ क्या कर रही है? आंटी नहीं हो, सुनो। द स्प्लिटोसॉरस। अरे नहीं ये डायनासोर तो असली है। अम्यूजमेंट पार्क में ऐसे छोड़ दिया है। मुझे अकी को ढूंढना होगा, वो कहाँ है? जल्दी करो हमें डायनासोर को रोकना ही होगा, किसी की जान भी जा सकती है। अरे नहीं हमारे डायनो होल्डर्स तो रीस के पास है, उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चों मैं यहाँ हूँ। मिल गई अकी। क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना स्पाइक? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम वो फेरिस व्हील देख रही हो, कुछ याद आ रहा है।
तैयार हैं। अब इन्हें टेस्ट भी कर लेती हूँ। ये क्या डायनासोर अम्यूजमेंट पार्क में? अरे नहीं, भूख से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। खाने की याद आती है। हाँ? पता नहीं अम्यूजमेंट पार्क में क्या हो रहा है। हाँ, मुझे भी अम्यूजमेंट पार्क पसंद है। हम भी चले क्या वहाँ पे? हाँ, और हेल्गा भी बाहर गई है। ठीक कहा, चले चले। हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है सेठ। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मेरे सारे डायनासोर्स डायनासोर पार्क से भाग जाएंगे। जिसका डर था वही हुआ। कंट्रोल डिवाइसेस काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से वो कंफ्यूज होकर भड़क रहे हैं। अगर हमने वो डिवाइसेस नहीं निकाले तो वो इतना थक जाएंगे कि अपने अपने कार्ड्स में लौट आएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। सही वक्त पर मेरा दिमाग चला। दादू, हम दोनों बाहर खेलने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी आओ। अब क्या करें, ये तो हाथ ही नहीं आ रहा है। इन्हें खाना चाहिए। मैं थोड़ा पॉपकॉर्न ले आऊं। मुझे तो लगता है कि अब हमें वही करना चाहिए जो हम हमेशा करते आए हैं। भागो यहाँ से। अब सूजा, रुक जाओ। अरे नहीं, हमारे पास आज डायनो होल्डर्स भी नहीं है। ये पार्क पहले से कहीं ज्यादा मजेदार बन गया है। डरो मत। जमा करो। ये क्या हुआ? वो कहाँ गया? कमाल का जादू था। वो डायनासोर इतना असली लग रहा था कि मैं तो डर ही गई थी। तुम नहीं डरे? तुम आसानी से बुद्धू बन जाती हो। अब हम क्या करें? सुनो, इन्हें निकाल लो तो वो अपने कार्ड में लौट जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ डैड। चलो हम उधर जाकर देखते हैं। वहाँ के हंगामे के मुकाबले यहाँ तो गजब की शांति है, है ना? हाँ, आखिरकार सिर्फ हम दोनों, आओ ना। सही कहा। देखो, यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। दोस्तों, उन्हें ठिकाने लगाने के बाद ही हमें रखना है। जमा करो। बस, अब ज्यादा नहीं बचे हैं। वो बहुत थक गए हैं मैक्स, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। लेकिन अब वो ज्यादा नहीं है, अभी कैसे रुक सकते हैं? इधर देखो दोस्तों। वाह, रीस आ गई। लो, ये लो। पकड़ लिया। वाह, अब आएगा मजा। अब हम बड़ी आसानी से अपना कार्ड चुन सकते हैं। हाँ, थैंक्स अ लॉट रीस, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई। चुम। हाँ तो दोस्तों, अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो? वाह, ये हुई ना बात। वो आखिरी है दोस्तों। अकेले ही मजा ले रहे हो दोस्तों? तुम यहाँ क्या चाहते हो? होमवर्क से ज्यादा मजा तो अम्यूजमेंट पार्क में आएगा, तो हम चले आए। क्या कहते हो, देखना चाहते हो डायनासोर्स को कौन कंट्रोल करता है? फ्लेम अप डायनासोर्स। वाह, जान दादा की यही होने वाला है। कितने प्यारे हैं। हाँ, बहुत प्यारे हैं। लाइट
फिनिश हो गया। वाह क्या बात है डेरी, ब्लेजिंग स्पिन से खेल खत्म कर दे। देखो मैं खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ, ढेर सारे फल, नूडल्स, सब्जियाँ, अंडे, मछली और चिकन। हेलिका ने हमें देख लिया तो बहुत मारेंगी। नहीं नहीं, 5 दिन करेला खिलाएंगी, चलो जल्दी। ये लो इसे पकड़ो। वो लोग तो भाग रहे हैं। उन्हें जाने दो, हमने उनका प्लान चौपट कर दिया है। वो तो हम हमेशा करते हैं। पार्क में आके राइड करने का मजा तो कुछ और ही है। बिल्कुल सही। डियर, तुम उस फेरिस व्हील पर चलोगी क्या? अरे नहीं। ये क्या, ये जेटा पॉइंट हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहा है? सवाल मत करो, जाओ उसे रोको। कैसे रोकूं? मुझे तैरना ही नहीं आता। वो देखो, वो रॉकेट हमें टापू पर पहुंचा सकता है। सही कहा, चलो खुद को उससे बांधो और आग लगाकर उड़ चलो। डिनर हम घर पर जाकर करेंगे। अरे सुनो तो, तुम लोगों ने वो वार्निंग तो पढ़ ली है ना? तुम हमेशा इतना डरते क्यों रहते हो? अब आ रहे हो या नहीं? आ रहा हूँ। ये क्या लिखा है? खतरा धमाका करता है, आतिशबाजी। आतिशबाजी? कभी कभी तुम मेरी बात भी सुन लिया करो। कभी कभी सुन लिया बात किया करो। बहुत चोट लगने वाली है। बहुत बढ़िया, हमने आज अल्फा गैंग वालों को बहुत अच्छा सबक सिखाया। मेरी बात ध्यान से सुनो आखी, माफी चाहता हूँ। सच बात यह है कि मैं वेडिंग एनिवर्सरी भूल गया था। कोई बात नहीं, इस तरह से फेरिस व्हील पर बैठने के बाद पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई है ना? क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, पर समझ नहीं पा रहा कैसे पूछूं। हाँ, ये बात भी क्रिटेशियस पीरियड के मायासौरा जैसी ही है। मायासौरा का मतलब होता है अच्छी माँ। वो क्या है कि मैं भी अपने बच्चों के लिए एक ऐसी ही माँ चाहता हूँ, और एक डायनासोर होने की वजह से मेरा मतलब मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक धुन सुनाता हूँ। डायनासोर का दीवाना हूँ। हाँ डियर, मैं जानती हूँ। स्पाइक, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। आई एम सॉरी अकी, पर मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लाया हूँ। तुम लाए हो। क्या? वही धुन फिर से सुना दो, उससे अच्छा तोहफा तो कोई हो ही नहीं सकता।
send a present. Times been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny. Yeah.